स्वागत है साथियों आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल पर। देखिए, हमने जो प्राचीन इतिहास की श्रृंखला स्टार्ट किया है, आज उसी का ये नेक्स्ट वीडियो है। हमने उत्तर वैदिक काल तक का पूरा समाप्त कर दिया है, अब महाजनपद काल स्टार्ट होने वाला है। लेकिन महाजनपद काल में भी सबसे पहले पढ़ा जाता है हम लोगों के देश में धार्मिक उदय। करीब 600 BC के आसपास जब उत्तर वैदिक काल समाप्त हुआ तो महाजनपद, हमने बताया था कल कि किस प्रकार से कुल जो होता था, कुल से परिवार, मतलब कुल या परिवार एक ही होता था, कुल या परिवार से ग्राम बनता था, ग्राम से क्या बनता था, ग्राम से बनता था विष, विष से बनता था जन, और जन जो था उत्तर वैदिक काल ऋग वैदिक काल तक जन ही था, और फिर जन जो है आपस में लड़ाई झगड़ा करके जन से थोड़ा सा जो बड़ा एरिया बना जनपद हुआ, उत्तर वैदिक काल में जनपद तक हुआ था। और फिर उसके बाद ये जो जनपद थे उनमें से जो शक्तिशाली था लोहे के आविष्कार के बाद, लोहे के आविष्कार नहीं बल्कि खोज के बाद, लोहे की खोज के बाद ये आपस में लड़ाई लड़कर जो सबसे शक्तिशाली हो गए, जो बहुत बड़े एरिया को जीत लिए, फिर बनाए महाजनपद, फिर महाजनपद काल शुरुआत हुआ। तो महाजनपद काल हम लोगों को पढ़ना है आगे चलकर। लेकिन इस वक्त जो मैंने कहा था कि उत्तर वैदिक काल में जो सभा समिति विदत थी सबको समाप्त कर दिया था, और जो सभा समिति बची थी उस पर ब्राह्मणों और क्षत्रियों को वर्चस्व हो गया था, यानी पूरे तरीके से रूढ़िवादिता हमारे देश में शुरुआत हो गई थी। अंधविश्वास चालू हो गया था, कर्मकांड चालू हो गए थे, दुनिया भर के तामझाम चालू हो गया था। तो उनके वजह से हमारे भारत में अब चूंकि नगरीकरण लोहे की खोज हुई थी तो नगरीकरण भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, और जैसे ही नगरीकरण बढ़ता है तो जानते हैं कि लोग उतना वर्ण व्यवस्था पर या जाति व्यवस्था पर कर्मकांड पर उतना ध्यान कम देते हैं, तो कम देते थे। लेकिन ये ब्राह्मण चूंकि कर्मकांडों पर ज्यादा फोकस करते थे, तो इन ब्राह्मणों के खिलाफ एक नया वर्ग उत्पन्न हो गया उनके खिलाफ में, जी और उनके खिलाफ में जो शुरुआत हुआ उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया कि उस वक्त हमारे यहाँ नास्तिक संप्रदाय की शुरुआत हुई, नास्तिकता उत्पन्न हुआ। नास्तिक का मतलब ये नहीं कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, ईश्वर में विश्वास नहीं करते नास्तिक उसे नहीं करते। नास्तिक का मतलब होता है जो वेदों पुराणों में विश्वास ना रखे, वैदिक साहित्यों में जो विश्वास ना रखे उन्हें कहा जाता है नास्तिक। हम लोग यहाँ के यहाँ नास्तिक किसे कहते हैं, जैसे जो भगवान को नहीं मानता उसे नास्तिक कहते, नहीं उसे नास्तिक नहीं कहते। नास्तिक का मतलब हुआ जो वेदों में या ब्राह्मण साहित्यों में विश्वास नहीं रखता है उन्हें कहा जाता है नास्तिक। इंग्लिश में बोला जाता है एथिस्ट, हमारे भारत में तो इसी को कहा जाता है नास्तिक। तो उन ब्राह्मण धर्म के खिलाफ भारत में तीन धर्म उत्पन्न हुए थे, तीन संप्रदाय उत्पन्न हुए थे, जिनमें से एक था जैन धर्म, फिर एक था चार्वाक, एक था बौद्ध धर्म। ये तीन धर्म उत्पन्न हुए थे इन ब्राह्मण धर्म के खिलाफ। और उसी वक्त पूरे विश्व में बहुत से जगह पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग शुरुआत था, जैसे यूनान में उसी वक्त यूनान जिसे आज मिस्र कहा जाता है, मिस्र वहाँ पर भी एक धर्म उत्पन्न हुआ था। वो उस धर्म के संस्थापक थे जैसे जो पाइथागोरस, आजकल मैथ में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस परमे, तो वो पाइथागोरस उस वक्त एक धर्म स्थापित किए थे यूनान में जिसे कहते हैं पाइथागोरियस संप्रदाय कहा जाता था। और उसी वक्त चाइना में एक कन्फ्यूशियस था जिसे कहते हैं चाइना में कन्फ्यूशियस का बहुत विचारधारा बहुत प्रबल था। कन्फ्यूशियस एक नास्तिक विचारधारा वाला व्यक्ति था। नास्तिक विचार मतलब हमारे देश में तो जैसे हम वेदों पुराणों को जो नहीं मानता उसे नास्तिक कहते हैं, लेकिन दूसरे देशों में नास्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो तो उसे कहते हैं नास्तिक। तो चाइना में जो था कन्फ्यूशियस था, इसलिए चाइना बहुत विकसित हुआ, बाद में चलकर वहाँ विज्ञानवाद को बढ़ावा मिला। और उसी वक्त अलग अलग देशों में अलग उसी प्रकार से जो ये फारस है, जो ईरान है, इस ईरान में भी एक संप्रदाय उत्पन्न हुआ था पारसी धर्म जिसके संस्थापक जरथुस्त थे इसी प्रकार से थे। तो देखिए हमारे भी यहाँ अब हम लोग आते हैं अपने देश में, हमने बता दिया है कि एक नए धर्म उत्पन्न होने के पीछे कारण क्या था, तो ये सब बातें थी। अब ब्राह्मण धर्म के खिलाफ भारत में कौन कौन से पढ़ना लोगों को, जैन धर्म इसके संस्थापक जो है कौन है, ऋषभदेव। याद रखिएगा कि जो लोग याद कहे होंगे कि महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक तो नहीं, वो 24वें तीर्थंकर थे, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछे, अगर देखिए बस पूछा है कि जैन धर्म के संस्थापक प्रथम संस्थापक कौन थे या प्रथम तीर्थंकर, तो ऋषभदेव हो, लेकिन अगर वास्तविक पूछे तब तो हो जाएंगे महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर है। फिर चार्वाक, ये जो उस वक्त वैदिक सभ्यता में या जो उत्तर वैदिक सभ्यता में जो ब्राह्मण घूम घूम कर अपने रूढ़िवादिता का प्रचार करते थे, कर्मकांडों का प्रचार करते थे, ये चार्वाक लोग उन्हें बड़ा गाली देते थे। ये चार्वाक बड़े कट्टर थे, ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे, इसलिए इनकी जितनी भी पुस्तकें हैं सब जला दी गई है या फाड़ दिया गया है ब्राह्मणों के द्वारा, क्योंकि ये लोग दिन दहाड़े गाली देते थे। इनके विचार बड़े पक्ष मतलब एकदम निष्पक्ष होते थे, एकदम खुले तौर पे। इनको ईश्वर में ये विश्वास नहीं रखते थे, वेद पुराण में भी विश्वास नहीं रखते थे, ये प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करते थे। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब अगर तुम मुझे दिखाओ कि ये बात सही है तो ही सही है, जैसे ये ईश्वर को नहीं मानते थे। इनका मानना था कि चरवाकों का
कि जैसे बौद्ध ब्राह्मण लोग कहते थे कि हमारे शरीर में हम 5 तत्वों से मिलके बने हैं, कि भूमि से, आकाश से, आग से, अनल से, इसी प्रकार से 5 तत्वों से बताते थे कि 5 तत्व ये जब मिल जाते हैं तो उसमें आत्मा एक आती है, आत्मा ईश्वर द्वारा भेजी जाती है, और आत्मा आती है और इस शरीर में आने के बाद रहती है, फिर उसके बाद छोड़ के इसको चली जाती है, आत्मा चलता है। कर्मवाद की बात करते थे ये ब्राह्मण लोग, लेकिन चार्वाक लोग ऐसी बात नहीं करते थे। चार्वाक कहते थे कि 4 चीज़ों से मिलकर शरीर बना है। आकाश को नहीं जोड़ते थे, यानी आग लेते थे, मिट्टी लेते थे, और हवा, और एक पानी। इन 4 चीज़ों से कहते थे कि हमारा शरीर बना है, और इनका कहना था कि अगर इन 4 चीज़ों को जोड़ दें तो उनमें अपने आप जीव आ जाता है। इनका एक बड़ा बढ़िया कथन था, कहा कि जैसे महुआ ले लो, गेहूं ले लो, और महुआ गेहूं और जव, इन तीनों को मिला देने से जिस प्रकार से उसमें मादकता आ जाती है, उसी प्रकार से ये जो 4 चीज़ें जो शरीर मिला, इन 4 को मिला देंगे तो उसमें भी जीव उत्पन्न हो जाता है। और ये नहीं, इन्होंने बताया था कि अगर आप गोबर ले लीजिए, पीली मिट्टी ले लीजिए, गोबर, पीली मिट्टी और दही, पीली मिट्टी और गोबर ले लीजिए, इन तीनों को अगर मिला दीजिए आप तो उसमें बिच्छू जन्म ले लेता है। मतलब ये बताना चाहते थे चार्वाक लोग कि ये जो आत्मा उत्मा कुछ नहीं होता है, बल्कि ये जो 4 भौतिक चीज़ें हैं, इन 4 भौतिक चीज़ों को अगर एक निश्चित मात्रा में अगर आप मिला देते हैं तो इनसे इनमें ही क्या शुरू हो जाता है, चेतन शुरू हो जाता है, मतलब इनमें ही जान आ जाती है। जैसे कि अगर आधुनिक समय में बात करें तो चार्वाक सही भी करते थे, जैसे कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर में कुछ चीज़ों को जैसे माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, इन सबको जब हम जोड़ देते हैं, या मोबाइल लीजिए कि बहुत सी चीज़ों को जब हम जोड़ देते हैं तो मोबाइल भी अपने आप कार्य करने लगता है, मतलब इसमें चेतन आ गई, इसमें आत्मा आ गई, बेचकोई आत्मा है नहीं, बस हमने किसी चीज़ को मिलाया और अपने आप ये चलने लगा। कंप्यूटर में भी किसी चीज़ को जब कई चीज़ों को हम एक निश्चित अनुपात में मिला देते तो वो भी अपने आप कार्य करने लगता है। तो चार्वाक भी यही समझाना चाहते थे, और ये बातें ब्राह्मणों को बहुत खराब लगता था कि ईश्वर कोई नहीं मानता तो फायदा कैसे होगा हमारा, हमारा कम में कैसे कोई चीज़ मिलेगी। बड़ी अच्छे से चार्वाक, इसलिए चार्वाकों से बड़ा नफरत करते थे ये लोग, ब्राह्मण लोग। तो चार्वाकों के इसीलिए किताबों को जला दिया गया। चार्वाकों का एक प्रमुख जो कथन है वो मैं आपको सुना देता हूँ, देखिए जैसा है, यावत जीवित सुखम जीवित, इसका मतलब हुआ कि जब तक जिए सुखी जिए, इनका कहना था कि जब तक जियो भाई सुखी बन के जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कि मतलब ऋण लीजिए, ऋणम कृत्वा मतलब जब तक जिए सुखी जिए, ऋण लीजिए और घी घृतम पीवेत घी पीजिए, भस्मी भूतस्य देहस्य, हमारे मरने के बाद हमारा शरीर क्या हो जाता है, भस्म हो जाता है। पुनरागमन कुतः, कहाँ किसी का पुनरागमन होता है, कि मतलब जब हम मर जाते हैं तो जब जाते हैं जला दिए जाते हैं तो जलाने के बाद कौन हमारा पूरा शरीर फिर से वापस आता है। ये बड़े अच्छे से इनको ब्राह्मणों को समझाने के लिए कहा था, क्योंकि ब्राह्मण लोग मरने के बाद भी तो कई परंपराएं जोड़ जोड़ के पैसा कमाते थे, जो उसमें पुरोहित लोग होते थे, तो ये उनके खिलाफ एकदम मस्त बात कहा कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऋण लेके घी पियो, भस्मीभूतस्य देहस्य, ये शरीर के भस्म हो जाने के बाद पुनरागमन कुतः, कहाँ पुनरागमन किसी का होता है, एक बार जब आप जाएंगे शमशान पर जला दिए जाएंगे तो कहाँ आपका आगमन होता है। बड़ी अच्छी बात कही थी इन लोगों ने। फिर इसके बाद ब्राह्मण धर्म के खिलाफ एक था नास्तिक में ही बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जानते हैं इसके संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ जिसे कहा जाता है। तो इतने हैं, अब इसके बाद हम लोग सीधे आते हैं जैन धर्म पे। इनके बारे में जितनी बातें मैंने समझाना था वो आप लोगों को समझा दिया है, अब इनमें से सबसे पहले पढ़ना हम लोगों को जैन धर्म। देखिए जैन धर्म का अर्थ क्या होता है, ये जो जैन शब्द है ये संस्कृत से लिया गया है। जैन शब्द किससे लिया गया है, संस्कृत से लिया गया है, और जैन शब्द का अर्थ होता है विजेता। और कौन सा विजेता, ये नहीं कि लड़ाई लड़कर, क्योंकि जैन धर्म अहिंसावादी था, बहुत ही अत्यधिक अहिंसावादी था। लोग खेती भी करना नहीं पसंद करते थे, क्योंकि कहते थे कि हम खेती करेंगे तो इसमें बहुत से जीव कट जाते हैं, मर जाते हैं, तो इससे हिंसा होती है, हम लोग खेती भी नहीं करेंगे। इसीलिए बहुत से लोगों ने जैन धर्म नहीं अपनाया, क्योंकि जब इतना अधिक अहिंसावादी हो जाओगे, जब खेती नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो खाओगे पियोगे कैसे, जीवन जियोगे। इसलिए बहुत से लोगों ने जैन धर्म अपनाया भी। तो इस विजेता का अर्थ होता है जो अपने आँखों पर, अपने मन पर, अपनी मस्तिष्क पर जो काबू पाले, अपने ज्ञानेन्द्रियों पर जो काबू पाले, उसे कहा जाता है जैन विजेता। ठीक है, विजेता का मतलब जो अपने आप पर काबू पाले उसे कहता है विजेता। जैन धर्म प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो कौन थे, ऋषभदेव।
कौन थे? ऋषभदेव। तीर्थंकर का मतलब जो, जैसे कि अलग अलग, जैसे विष्णु के 10 अवतार हुए, हिंदू धर्म माना जाता है कि विष्णु नए नए अवतार लेते हैं, इसी प्रकार से जैन धर्म माना जाता है कि उनमें एक नए नए गुरु आते हैं जो जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अपने उपदेश देते हैं। तो उनमें जो सबसे पहले आए थे कौन आए थे? ऋषभदेव आए थे। ये ऋषभदेव विष्णु के 10 अवतार हैं, याद रखिएगा। ये लिखा है भागवत पुराण में, भागवत पुराण में विष्णु के 10 अवतार बताया गया है ऋषभदेव को। आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा कि किस निम्न में से किस पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का 10 अवतार बताया गया है? तो ये बताया गया है भागवत पुराण में। भागवत पुराण कुल 18 पुराण है ना, उन 18 पुराणों में से जो एक भागवत पुराण है, उन भागवत पुराण में कहा गया है कि ये विष्णु के 10 अवतार है। और यही नहीं, विष्णु के 10 अवतार है, और जो एक और जैन धर्म में एक और तीर्थंकर है जिनका नाम है अरिष्टनेमी, एक और तीर्थंकर आएंगे अरिष्टनेमी है। और अरिष्टनेमी को बताया गया कि जो कृष्ण के जो भाई थे जिनका नाम था बलदाऊ, सगे भाई तो नहीं थे, बलदाऊ थे, और बलदाऊ के जो भाई है उनका नाम है अरिष्टनेमी। मतलब ये भी हमारे ही धर्म से जुड़े हुए, हिंदू धर्म से, क्योंकि मूर्खत ये ब्राह्मण लोग बड़े चलाक थे, जब कोई धर्म नया बना के चला जाता था तो बता देते थे कि ये देखो हमारे विष्णु के अवतार है, ये हमारे विष्णु के अवतार, ऐसे ऐसे कर करके तुम, ताकि जो व्यक्ति धर्म छोड़ के जा रहा हो वो धर्म छोड़ के जाए ना, बल्कि उनको एहसास कर दीजिए कि तुम जिस धर्म में जा रहे हो वो धर्म तो हमारा ही धर्म है, हमारे विष्णु का ही नया अवतार है, ऐसे कह कर लोगों को ये सब बनाते थे। तो विष्णु के 10 अवतार याद रखना है आपको यहाँ पर क्वेश्चन, कि किस में कहा गया है? भगवत पुराण में। फिर ऋग्वेद में ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में किन जैन मुनि, जैन धर्म के तीर्थंकरों का उल्लेख है, तो आप बताएंगे कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। कथन करके देगा कि निम्नलिखित में से किन 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 का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, किन जैन तीर्थंकरों का। ऑप्शन देगा आपके पास चार, देगा ऋषभदेव देगा, अरिष्टनेमी देगा, फिर उसी प्रकार से महावीर स्वामी दे देगा, फिर पार्श्वनाथ दे देगा, फिर एक नेमीनाथ देगा, ये 5-6 नाम दे देगा, फिर कथन करके देगा 1, 2, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करके आपको देगा। तो याद रहे कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इनका नाम ऋग्वेद में आता है। और एक है नेमीनाथ, एक और व्यक्ति थे नेमीनाथ, एक तीर्थंकर थे नेमीनाथ, इनका नाम, इनका उल्लेख तो नहीं मिलता ऐसे। नेमीनाथ एक तीर्थंकर और थे, ये 12वें तीर्थंकर थे नेमीनाथ जैन धर्म में ही। चलिए फिर आते हैं 11वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर जो थे, 11वें तीर्थंकर, और 11वें तीर्थंकर का नाम था श्रेयांशनाथ। इनका जन्म बनारस में हुआ था। पूछा जाता है कि जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर क्या थे, तो उनका नाम था श्रेयांशनाथ। इनका जन्म हुआ था बनारस में, हुआ था बनारस में यानी काशी में हुआ था, और काशी में इन्हीं के नाम पर, श्रेयांशनाथ के नाम पर ही क्या पड़ा हुआ है? सारनाथ, जो आज सारनाथ जो है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ, उस सारनाथ में, उसका सारनाथ जो नाम पड़ा है वो श्रेयांशनाथ के नाम पर पड़ा है। श्रेयांशनाथ कौन? जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर थे, इन्हीं के नाम पर पड़ा है। तो सारनाथ केवल बौद्ध धर्मस्थली नहीं है, बल्कि वो जैन धर्मस्थली भी है, क्योंकि जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर जो थे श्रेयांशनाथ, वो उनका जन्म बनारस में हुआ था, ये काशी में हुआ था, उसी जगह पर हुआ था, इसलिए इनके नाम पर पड़ा है सारनाथ। फिर इस जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर क्या थे? पार्श्वनाथ नाम था, और काशी के राजा अश्वसेन, ये काशी के उस वक्त राजा जो थे अश्वसेन, अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर। और इन्होंने जैन धर्म में 4 आचरण, मतलब जैन धर्म को जो फॉलो करने वाले व्यक्ति होंगे, जो जैन धर्म को फॉलो करने वाले व्यक्ति होंगे, उन्होंने उनके लिए 4 आचरण बताए थे कि जो व्यक्ति जैन धर्म में आए वो इन 4 बातों को फॉलो करे, 4 बातों को मानेगा। कौन कौन से बात कहा था? सत्य, हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए, झूठ का साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें सत्य का साथ देना चाहिए। अहिंसा, और हमें किसी पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। और तीसरा था अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है कि चोरी न करना, अस्तेय का अर्थ क्या होता है? चोरी न करना। फिर उसके बाद अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है कि
हमें अधिक से अधिक धन दौलत को जुटा कर एकत्रित करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें बराबर इसको चलन में रखना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण धर्म के खिलाफ थे, ब्राह्मण धर्म क्या करते थे, अधिक से अधिक धन को संग्रहित करते थे। तो जैन धर्म ने क्या कहा कि हमें सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा, किसी पर हिंसा नहीं करनी चाहिए, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना चाहिए, और अपरिग्रह हमें धन को अत्यधिक जुटा कर या एक जगह एकत्रित करके नहीं रखना चाहिए। और जो पूछा गया था, और ये देखिएगा इसमें जो ये चार आचरण है, चार आचरण तो पार्श्वनाथ ने दिया था, लेकिन पाँचवा जो आचरण ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य जो था वो किसने दिया था, महावीर स्वामी ने। याद रखना है कि चार तो पार्श्वनाथ ने दिया था आचरण, लेकिन पांचवा किसने दिया था, महावीर स्वामी ने। जो पांचवा कौन था, तो ब्रह्मचर्य। क्योंकि ब्रह्मचर्य इसलिए जुड़ा था क्योंकि जानते हो कि बड़ी मुश्किल से छोटे छोटे लोगों को, समाज के बड़े बड़े लोगों को अपना पकड़ पकड़ के लोग अनुयायी बनाते हैं, साधु संन्यासी बनाते हैं, लेकिन उसी में महिला पुरुष दोनों आ जाते हैं, तो लगते हैं उसी में अपना प्रेम प्रेम जाल पछाने। तो लाया गया था किसी और उद्देश्य से और लग जाते किसी और उद्देश्य में। तो महावीर स्वामी आए तो कहा कि ये जो चार आचरण तो ठीक है, लेकिन पांचवा आचरण है, अगर इसको नहीं फॉलो करेंगे तो चारों आचरण बेकार है। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा कि ऐसा है कि जो लोग जैन धर्म को सम्मिलित करे पहले ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करे। ब्रह्मचर्य का मतलब कि महिला पुरुष से दूर रहे, पुरुष महिला से, मतलब शादी विवाह से दूर रहे। तो इसलिए महावीर स्वामी ने जुड़ा था पांचवा। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था, पार्श्वनाथ के जो तीर्थंकर थे उन्हें क्या कहा जाता था, निर्ग्रंथ। तो याद रहे कि महावीर स्वामी आए तो उसके बाद उनको जैन कहा गया, नहीं उससे पहले क्या कहा जाता था, निर्ग्रंथ। इनके अनुयायियों को कहा जाता था निर्ग्रंथ कहा जाता था। फिर है महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। अच्छा एक चीज़ मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है कि जो भारत का नाम भारत पड़ा है ना, वो ऋषभ देव के बड़े पुत्र थे जिसका नाम था भरत। कुछ किताबों में कहा जाता है कि एक दुष्यंत, जो शकुंतला और दुष्यंत थे, उनके बड़े पुत्र का नाम था भरत, उसके नाम पर भारत पड़ा है। और जैन साहित्यों पता चलता है, जैन साहित्यों से, कि ऋषभ देव के जो बड़े पुत्र थे जिसका नाम था भरत, उसके नाम पर भारत पड़ा है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें लिखी गई है। फिर महावीर स्वामी आते हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से पूछता है। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे नंबर के 24वें? 23वें नंबर के कौन थे, तो पार्श्वनाथ। 11वें नंबर के श्रेयांशनाथ। पहले कौन, ऋषभदेव, ठीक है। दूसरे कौन, अरिष्टनेमी। दूसरे अरिष्टनेमी थे, तो इनके बारे में रखना। और अगर पूछ ले कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, तो महावीर स्वामी। इनका जन्म कब हुआ था, तो 540 BC में, महात्मा बुद्ध का 500। दूसरा अरिष्टनेमी नहीं बल्कि 22वां अरिष्टनेमी है, 22वां अरिष्टनेमी है। 21वां है जो मैंने बताया यहाँ पर नेमीनाथ, ये जो नेमीनाथ मैंने कहा ना, ये 21वें थे, 21वें नेमीनाथ, 22वें अरिष्टनेमी, और एक और थे 19वें जो थे उनका नाम था मल्लीनाथ। 19वें जो थे उनका नाम क्या था, मल्लीनाथ। और ये मल्लीनाथ को जैन धर्म में माना जाता है कि वो स्त्री थी, स्त्री थी। हीनयान वाले लोग मानते हैं कि जो मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर थे वो स्त्री थी, जबकि श्वेतांबर वाले मानते हैं, और दिगंबर श्वेतांबर क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे हम। तो जान लीजिएगा कि दिगंबर जो थे वो बताते थे कि 19वें तीर्थंकर जो है उनका नाम है मल्लीनाथ, और जो वो क्या है, महिला है। और श्वेतांबर वाले मानते हैं कि नेमीनाथ जो थे पुरुष थे। मल्लीनाथ, नेमीनाथ जो थे, नेमीनाथ, फिर से मैं बता रहा हूँ, ऊपर यहाँ पर नेमीनाथ लिखा है, मैंने कहा कि 21वें तीर्थंकर थे। तो अगर पूछा जाए कि महाभारत के समय, जब महाभारत हुआ था, तो महाभारत के समय कौन से बौद्ध और जैन धर्म के उस वक्त गुरु थे, तीर्थंकर थे, तो नेमीनाथ। नेमीनाथ जब महाभारत हुआ हो रहा था तो उस वक्त उसके तीर्थंकर नेमीनाथ ही थे। नेमीनाथ कौन से नंबर पे थे, 21 नंबर पे, 22 नंबर पे अरिष्टनेमी, 23 नंबर पे पार्श्वनाथ, 4 नंबर पे, 24वें नंबर पे तो महावीर स्वामी। तो चलिए आते इधर, तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में, उनके 23 साल बाद जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। कहाँ पर हुआ था, कुंडल ग्राम। कहाँ पड़ता है ये, वैशाली। वैशाली कहाँ है, जैसे देखिए 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में से एक बिहार में ही, बिहार में ही ऊपर थोड़ा सा पड़ता था, एक 16 महाजनपद, एक जनपद था महाजनपद जिसका नाम था वज्जी, और उस वज्जी की राजधानी थी वैशाली। और ये वज्जी कुल कई संघ से, संघ का मतलब होता है छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना था, उसे कहा जाता था संघ। कुल 8 संघों से, छोटे छोटे संघों से मिलकर बना था। उन्हीं संघ में से एक संघ था इज्ञात्रव, इज्ञात्रक कुल था, इज्ञात्रक एक संघ था, एक कुल था इज्ञात्रक कुल। और उस इज्ञात्रक कुल में इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, उनके मुखिया थे, इज्ञात्रक कुल के मुखिया थे सिद्धार्थ, और उन्हीं के घर में जन्म लिया थे कौन, महावीर स्वामी। तो इज्ञान में कई बार पूछा हुआ है इज्ञात्रक कि महावीर स्वामी किस कुल में पैदा हुए थे, तो इज्ञात्रक या बहुत जगह पे जात्रक कुल मिलता है, तो इज्ञात्रक या जात्रक कुल में इनका जन्म हुआ था। फिर माता, इनकी माता का नाम था, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इज्ञात्रक। और इनकी माता का नाम था त्रिशला।
जो कि लिच्छवी प्रधान चेतक की बन थी। मैंने कहा ना कि 16 ये कुल 8 संघ से मिलकर बना था, तो एक पुल तो कौन था, ज्ञात्रा कुल, और इसी में से एक कुल और था वज्जी संघ में जिसका नाम था लिच्छवी। लिच्छवी तो लिच्छवी में, लिच्छवी के जो मुखिया थे उनका नाम था चेतक, और उस चेतक की बहन थी कौन, त्रिशला। तो त्रिशला चेतक की बहन। एग्जाम में पूछा है कि इनकी माता जो थी महावीर स्वामी की कहाँ से थी, तो त्रिशला थी। त्रिशला कौन, तो ये वज्जी संघ के अंतर्गत बनने वाला एक संघ था और उसकी चेतक की बहन थी। फिर पत्नी, इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। क्या नाम था, यशोदा। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, तो यशोधरा नाम था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनका दामाद था जिनका नाम था जमाली। इनका प्रथम अनुयायी भी था जमाली, और ये जमाली ने बाद में इनका शिष्य रहते रहते अपने गुरु की कन्या को ही क्या कर लिया, उससे प्रेम संबंध बना लिया, बाद में उसी से शादी कर लिया। शिष्य से बनने आया था लेकिन बन गया गुरु, बाद में विवाद भी हो गया तो दोनों जमाली इनको इनका साथ छोड़कर चले भी गए। फिर मृत्यु, इनकी मृत्यु जो हुई थी कभी थी, 468 BC में हुआ था, और कहाँ पर जन्म मृत्यु हुआ था, पावापुरी। कहाँ पर हुआ था, पावापुरी। पावापुरी कहाँ पड़ता है, बिहार में। तो इनके बारे में इतना याद रखना है महावीर स्वामी के बारे में। अब एक वीडियो और है जिसमें जैन धर्म पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, फिर बौद्ध धर्म पर दो वीडियो बनेगा, फिर सब समाप्त हो जाएंगे धीरे धीरे। तो जो लोग हमसे जुड़े रहे हैं सभी को धन्यवाद। जो चैनल पर आए हो, वीडियो पूरा देखे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब न करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो सभी को बाय।